हेलो फ्रेंड्स दिस इज मनीषा वेलकम बैक टू माय चैनल वन सगेन फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम आपके साथ में क्वेश्चन आंसर शेयर करने वाले हैं द इन्वेंशन ऑफ शूज के और इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन मैंने ऑलरेडी चैनल पर डाल दिया है अगर जिनको ज़रूरत है वो जा के देख सकते हैं देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है वॉट वॉज किंग होबू वरीड अबाउट इस स्टोरी में क्या है कि एक किंग है जिसका नाम होबू है वो क्यों परेशान है तो किंग होबू वॉज वरीड अबाउट हिज फीट किंग जो होपु था वो अपने पैरों को लेकर के बहुत परेशान था गेटिंग डर्टी उसको वेन एवर ही स्टिप्ड ऑन द ग्राउंड जब भी वो ग्राउंड में अपने पैरों को रखता था और उसके पैर गंदे हो जाते थे इस बात को लेकर के वो बहुत परेशान था ही वॉन्टेड टू गेट राइड ऑफ द डस्ट वो डस्ट से छुटकारा पाना चाहता था गेट राइड में छुटकारा पाना इन हिज किंगडम अपने राज्य में शो दैट हिज फीड रिटर्न क्लीन जिससे उसके पैर जो हैं वो साफ हो जाए वो चाहता था कि उसके राज से गंदगी पूरी तरीके से जो धूल थी मिट्टी थी आ, पूरी तरीके से चली जाए जिससे उसके पैर जो हैं वो साफ रहें सेकेंड क्वेश्चन डिड द एंटायर वर्ड रियली गेट फील्ड विद डस्ट वाई डज द किंग सेसू क्या पूरा वर्ल्ड जो था वो डस से भरा हुआ था ऐसा राजा क्यों सोचता था नो द एंटायर वर्ड डिड नॉट गेट फील्ड विद द डस्ट हाउ एवर द किंग सेस दिस इज टू शो दमाउंट ऑफ डस्ट ऑल स्वीपिंग हैड ब्रॉड नहीं पूरा जो संसार है वो भर, धूल से भरा हुआ नहीं था राजा जब भी ये सोचता था इससे वो दिखता था कि बहुत सारे जो स्वीपर थे वो डस्ट को लेकर आए हुए हैं थर्ड क्वेश्चन हाउ वज द अर्थ सेव अर्थ कैसे सेव ही द टेनर गिव लॉजिक सोल्यूशन ऑफ कवरिंग द किंग्स फीट इंस्टीट ऑफ द होल अर्थ जो टेनर होता है इसमें लास्ट में जब आप स्टोरी पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा जो टैनर होता है वो राजा को एक लॉजिक सोल्यूशन देता है कि, कि किस तरीके से उसके पैर को जो है कवर किया जाए ना कि पूरे अर्थ को पूरे अर्थ को tenor, पूरे अर्थ को लेदर से कवर करने के बजाय राजा के पैरों को कवर करने का उसने लॉजिक सल्यूशन दिया था फोर्थ क्वेश्चन इज दिस हाउ आज किंग हो प्रॉब्लम सॉल्व दिस आइडिया द होबूज प्रॉब्लम वॉज सॉल्व वेन द ओल्ड टैनर मेड शूज फॉर द किंग ही फील्ट वॉर्म एंड कम्फर्टेबल आफ्टर वेरिंग आर शूज़ जो होबू होता है होबू रा की प्रॉब्लम की कैसे सॉल्व होती है जो राजा हैं उसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होती है उसकी प्रॉब्लम तब सॉल्व होती है जब उसने जो टैनर था टैनर ने जब उसके लिए शूज़ बनाया तब उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हुई और उसको शूज पहनकर बहुत वार्म फील हुआ बहुत सॉफ्ट फील हुआ बहुत कंफर्टेबल फील हुआ फिफ्थ क्वेश्चन हु सेज दिस डू यू थिंक दिस दिस इज द ट्रुथ किसने कहा क्या uh, जो है डू यू थिंक दिस इज द ट्रुथ आपको क्या लगता है ये सच है मिनिस्टर गोबू राय सेज दिस ये जो लाइन थी वो गोबू राय ने बोली है नो दिस इज नॉट ट्रू ये सही नहीं है बिकॉज इ जस्ट वॉन्टेड टू शो दैट ही इज अ क्लेवर मैन इस लाइन से ये शो हो रहा है कि वो एक क्लेवर मैन है नेक्स्ट क्वेश्चन वॉट डू दिस लाइन मेक यू थिंक अबाउट द स्पीकर दिस लाइन टेल इज दैट गोबू राय इज अ क्लेवर मैन गोबू राय क्या है एक क्लेवर मैन है ही वॉन्ट्स टू टेक क्रेडिट फॉर हिस क्लेवर आइडिया उसको इसका क्रेडिट चाहिए था अपने क्लेवर माइंड से जो कुछ भी टैनर ने किया था उसका रिवॉर्ड uh, जो है वो मिनिस्टर अपने आप अप, अपने लिए लेना चाहता था दिस ऑल्सो टेल्स डैट ही इज सेल्फिस इन कनिंग जो ये लाइन्स uh, हैं इन लाइन से ये पता चलता है कि जो गोबू राय है वो क्या है वो बहुत ही ज़्यादा जो है सेल्फिश है तो यहाँ पर आपके क्वेश्चन आंसर फिनिश होते हैं अगर वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय